हेलो दोस्त, आरआरबी जेई एग्जामिनेशन 3/18 में फाइनल कटअप आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं फाइनल कटअप में डिटेल में दिया है इन्होंने, जिसमें ईआर और एसीआर और कुछ एक मेट्रो रेलवे का भी मेरिट इंडेक्स फाइनल पैनल का दे दिया है। अब एक सर्विसमैन पोस्ट नॉर्मल कैंडिडेट को दिया गया है। कई बार लोग कहते हैं कि एक सर्विसमैन पोस्ट का अलग था, तो वो भी आपको आरटीआई में यहाँ दिखा देंगे कि रेलवे ने बताया है कि एक सर्विसमैन पोस्ट की वैकेंसी भी इंक्लूडेड होता है आपकी नॉर्मल वैकेंसी में। वो भी ओबीसी से बिलोंग कर सकते हैं, एसी से बिलोंग कर सकते हैं, एसी अपनी कोई भी कैटेगरी से। तो इसको देखने के लिए तो वेबसाइट पे हमें चलना नहीं होगा, वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा कोलकाता पे। तो हम यहाँ पे मेरिट इंडेक्स का आरआरबी कोलकाता का खोल रखे हैं, जो पैनल के बाद का है, जिसमें आप देख सकते हैं आज ही के डेट में ये जारी हो चुका है, जिसमें आप पूरी पैनल के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहला अपडेट यही मिलेगा। देखिए, एक सर्विसमैन की मैक्सिमम पोस्ट यहाँ एनएसी दिखा रहा है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट वगैरह वगैरह मैक्सिमम पोस्टों में। हालांकि कई सारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं थे, लेकिन जिसमें अगर कैंडिडेट नहीं गए उसको नॉर्मल पोस्ट में भी दिया जाता है, और दिया भी गया होगा इसमें, क्योंकि यहाँ मेरिट इंडेक्स कॉमन था, तो इसलिए यहाँ पे जो कटअप आया है। अगर इसमें दूसरे डीबी की अगर कटअप के बारे चाहेंगे तो डीबी का ये लिस्ट आया था, वो मेरे पास है, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरबी कोलकाता का था, जिसमें नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो लास्ट में कटअप हमें यहाँ पे दिखाई देगा, कम्युनिटी बाई, कैटेगरी बाई और पूरी डिटेल के साथ नीचे कटअप आएगा यहाँ पे लास्ट पेज पे। ये देखिए, तो यहाँ पे कटअप में बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसको आप देखना चाहेंगे तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर यूआर की कटअप देखेंगे, एसीआर की कैटेगरी नंबर 1 साउथ ईस्ट रेलवे का, जिसमें यूआर के लिए 608.77 और ओबीसी का 587.77, लेकिन अभी वाला कटअप में देखेंगे तो ये कटअप आपको बढ़ के बहुत ऊपर मिलेगा कैटेगरी नंबर 1 में। देखिए, 699 और 636, इसी तरह मैक्सिमम कैटेगरियों का कटअप ऊपर की तरफ बढ़ा है, और कई सारे में तो 150-200 तक भी बढ़ा है, कई जगह कम भी बढ़ा है, लेकिन कटअप एग्जैक्ट पूरी एक एक कैटेगरी की अलग अलग डिफरेंस है, जिस कैटेगरी की उस हिसाब से अलग अलग है। हो सकता है किसी में कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं गया हो, या एक ही कैंडिडेट एक वैकेंसी के लिए की हो, उसका कटअप सेम भी आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं जो लोग को क्वायरी आता है एक सर्विसमैन के बारे में, तो एक आरटीआई के रिप्लाई में आरआरबी मालदा से आया हुआ है, जिसमें कैंडिडेट ने पूछा था इन्फॉर्मेशन नंबर 2, जिसमें एक सर्विसमैन के रिगार्डिंग पूछा था। तो देखिए, यहाँ पे देयर इज ए नो सेपरेट वैकेंसी फॉर एक सर्विसमैन, प्लीज रीड नोटिफिकेशन क्लियरली। आप क्लियर रूप से समझ लीजिए, एक सर्विसमैन की वैकेंसी टोटल वैकेंसी में ही होती है, और इसके लिए अलग से वैकेंसी नहीं होती है, ये वैकेंसी इंक्लूडेड होता है आपकी नॉर्मल की वैकेंसी में। यानी नॉर्मल की मान लीजिए 15 सीट है, यूआर की 10 सीट है, ओबीसी की 12 सीट नॉर्मल की, और यहाँ पे मैं एसी बोलना भूल गया, यहाँ पे ओबीसी की 12 सीट है और एसटी की अगर 5 सीटें है, टोटल मिला देंगे तो जो पोस्ट बनता है उसी पोस्ट में एक सर्विसमैन की इंडिकेशन रहेगा कि एक सर्विसमैन की 3 पोस्ट है, लेकिन ये 3 पोस्ट अलग नहीं है, इन्हीं में से हो सकता है यूआर में एक हो, आपका एसी में एक हो और ओबीसी में एक हो, या एसटी में एक हो, ऐसा इंडिकेशन एक सर्विसमैन का पोस्टों का इंडिकेट रहता है। यानी एक सर्विसमैन की अलग से एलोकेशन तो रहता है, लेकिन वैकेंसी नॉर्मल में है उसी को इंक्लूड किया हुआ रहता है। तो चलिए, एक डिटेल आया है आरआरबी कोलकाता से, और जिनका कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है, बोलते हैं वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है क्या, तो मैं आपको यहाँ एक बार क्लियर बता दूँ कि 35,400 बेसिक होता है जेई का रेलवे में, लेवल 6 का पेमेंट है, और इसको जॉब बहुत कम लोग छोड़ते हैं, और जो लोग छोड़ते हैं वो यूपीएससी या आईएएस या कोई पीएसयू एग्ज़ाम में एग्जीक्यूटिव लेवल पे होता है तभी छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ वेटिंग लिस्ट बहुत कम क्लियर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ही होता है क्योंकि हायर जॉब इससे मिलेगा तभी कोई जॉब छोड़ेगा, नहीं तो जनरली बहुत कम लोग छोड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।